दोस्तों, इमॉर्टल हल्क होगन को कौन नहीं जानता। 1980s से 1990s की प्रो रेसलिंग में राज करने वाले होगन का रेसलिंग करियर बहुत ही शानदार रहा है। उनके हिस्टोरिक फ्यूड्स और मैचअप्स रहे हैं, बट उनकी एक डार्क साइड भी रही है। और रेसलिंग इंडस्ट्री की ऐसे 5 रेसलर्स जो होगन को पसंद नहीं करते थे, और ऐसा क्या कारण रहा है कि उन्हें ये रेसलर्स पसंद नहीं करते थे, तो उन्हें हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं 5वें नंबर से। तो 5वें नंबर पे आते हैं रिक फ्लेयर। दोनों होगन और फ्लेयर जाने माने रेसलर रहे 1980s और 1990s में, जहाँ फ्लेयर WCW के महान रेसलर्स में से एक है और होगन इससे पहले 1980s में WWE के का हिस्सा थे और 1990s में वे WCW के टॉप स्टार बने, जहाँ मिड 90s में केविन नैश स्कॉट हॉल के साथ उन्होंने NWO फैक्शन फॉर्म किया था। 1992 में जब फ्लेयर WWF में एक्टिव थे, तब फ्लेयर वर्सेस होगन का मैच WWE चैम्पियनशिप के लिए बुक किया गया था WrestleMania 8 में, और ये एक ड्रीम मैच था और WWE फैंस ईगर थे इस ड्रीम मैच के लिए। पर मैच पॉसिबल नहीं हो पाया बैक स्टेज पॉलिटिक्स के चलते, क्योंकि उस समय दोनों ही स्टार रेसलर्स अपने अपने ईगो क्लैशेस बहुत हाई था दोनों स्टार्स का, और यह मैच पॉसिबल नहीं हो सका। WWE ऑफिशियल्स को लगा कि होगन और फ्लेयर दोनों की राइवलरी फ्यूड फैंस के साथ क्लिक नहीं हो पाएगा, और कोई भी रेसलिंग स्टार एक दूसरे से हारना नहीं चाहेगा, और इसी के चलते दोनों स्टार्स के बीच बहुत सालों तक एनिमोसिटी बनी रही। लेकिन बाद में होगन ने इन सब जानकारी रूमर्स को खारिज करते हुए कहा कि वे और फ्लेयर अब दोस्त हैं। तो उसके बाद 4थे नंबर पर आते हैं ब्रेट हार्ट। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं क्या होता कि अगर एक्सीलेंस ऑफ एक्सीक्यूशन ब्रेट हार्ट और हल्कस्टर होगन मेनिया हल्क होगन के बीच एक मैच हो वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल के लिए। 1990s के स्टार्ट में ब्रेट हार्ट को मेन इवेंट पुश मिलना स्टार्ट हुआ, तब होगन ऑलरेडी अपने प्राइम पे थे, लेकिन इनका कभी आमना सामना कभी नहीं हो पाया। ब्रेट हार्ट ने अपना वर्ल्ड टाइटल योकोजुना से हारा WrestleMania 9 में, और उसके बाद होगन वहाँ ब्रेट हार्ट को सपोर्ट करने पहुँचे थे, लेकिन तभी ब्रेट हार्ट ने होगन से कहा कि तुम मेरी तरफ से टाइटल को के लिए फाइट करो योकोजुना से, और होगन ने योकोजुना को डिफीट किया, और उसी दौरान होगन ने योकोजुना के साथ कम्पीट किया और उन्हें हरा दिया और वे वर्ल्ड चैम्पियन बन गए। ऐसा आइडिया और स्टोरी बिल्ड की गई थी कि उनका और होगन ब्रेट हार्ट का और होगन का मैच जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल के लिए होगा समर स्लैम के लिए बुक किया गया था, लेकिन होगन अपना टाइटल हार गए योकोजुना से किंग ऑफ द रिंग में, और इसके बाद होगन ने WCW में स्विच किया, और उसके बाद में ब्रेट हार्ट ने भी WCW में स्विच किया था लेट 90s में। ब्रेट हार्ट ने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि वे होगन को बहुत पसंद नहीं करते हैं, एज अ परफॉर्मर वे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर लेकिन एज अ पर्सनल लेवल पे वे इन्हें इतना पसंद नहीं करते। थर्ड नंबर पर आते हैं स्कॉट स्टैनर। स्कॉट स्टैनर बिग पापा पम को कौन नहीं जानता है। स्कॉट और उनके ब्रदर रिक स्टैनर ने वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट टैग टीम्स फॉर्म करी थी जब वो रेसलिंग में एक्टिव थे, और स्कॉट का भी एक अच्छा करियर रहा है जब वो एज अ सिंगल्स रेसलर परफॉर्म करा करते थे, पर वे अपने रूड अक्खड़ बदतमीजी और गुस्सेल स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे, और उनका गुस्सा जायज़ भी था हल्क होगन के लिए भी। और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब दोनों एक्टिव थे WCW में, और जब वे दोनों TNA रेसलिंग में परफॉर्म कर रहे थे, तब स्टाइनर का गुस्सा होगन के लिए 7वें आसमान पर पहुंच गया था। स्टाइनर ने होगन पर रेसिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाया था, इस कारण के चलते स्टैनर को WWE 2015 के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी से बैन कर दिया गया था, जहां होगन ने अपने लेट फ्रेंड राइवल माचो मैन रैंडी सेवेज को इंडक्ट किया था हॉल ऑफ फेम में। और एक समय पर स्टैनर ने होगन को $1 million बॉडी स्लैम चैलेंज का ऑफर किया, जिसे होगन ने एक्सेप्ट नहीं किया। स्टैनर होगन को कभी पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल दोनों पर कभी पसंद नहीं करते थे। दूसरे नंबर पे आते हैं शॉन माइकल्स। समर 2005 की बात है और एक फ्यूड हुआ होगन और माइकल्स के बीच, और उस समय होगन पार्ट टाइम WWE अपीरियंसेस करते थे। होगन का और माइकल्स का मैच कभी भी नहीं हुआ, ना 80s में और ना 90s में कभी, और ये पहली बार हुआ जब होगन और माइकल्स साथ में काम कर रहे थे। और जैसे कहानी आगे बढ़ी,
होगन ने माइकल्स से रिफ्यूज़ कर दिया कि वो माइकल से नहीं हारेंगे 2005 में। और जब समर स्लैम का मैच चल रहा था होगन और माइकल्स के बीच, तो माइकल ने होगन्स के मूव्स को ओवर सेल किया था, लेकिन फाइनली मैच के विनर रहे होगन। और उसके बाद माइकल ने कहा कि वे होगन की रिस्पेक्ट करते हैं पर पर्सनल लेवल पे वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ये भी ब्रेट हार्ट के कदम पे ही चल रहे हैं, जो उन्हें एज अ परफॉर्मर तो पसंद करते हैं लेकिन एज अ पर्सनल लाइफ में वो उन्हें पसंद नहीं करते। वो फर्स्ट नंबर पे आते हैं अंडरटेकर। अंडरटेकर और हल्क होगन, अगर आप 90s में रेसलिंग देखकर बड़े हुए हैं तो आप इन दोनों लेजेंड्स को तो ज़रूर जानते होंगे। और दोनों ने अर्ली 90s और 2000s के कुछ मैचों में रेसलिंग किया था, लेकिन बैक स्टेज इनका रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं था। दोनों आमने सामने आए थे जुलाई 1991 WWF के सुपरस्टार्स पर, जिसमें होगन ने अंडरटेकर को रोल ओवर पिन करके मैच जीत लिया था। फिर बाद में सर्वाइवर सीरीज 1991 में दोनों का वर्ल्ड टाइटल मैच हुआ, जिसे बुक किया गया था, और मैच के दौरान क्राउड अंडरटेकर को चीयर कर रहा था और अंडरटेकर ने रिक फ्लेयर के इंटरफेरेंस से होगन को स्टील चेयर पर टूम्बस्टोन किया और अंडरटेकर वह मैच जीत गए और उस समय के यंगेस्ट WWE चैम्पियन बन गए थे। इसके बाद एक कंट्रोवर्सी सामने है, जिसमें होगन ने अंडरटेकर पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने लेजिटली उन्हें टूम्बस्टोन परफॉर्म किया था, और टूम्बस्टोन परफॉर्म करते वक्त उन्होंने उनके नेक को प्रोटेक्ट नहीं किया था और अंडरटेकर ने उन्हें लेजिटली इंजर्ड किया था। पर जब अंडरटेकर ने उस मैचेस के क्लिप्स को देखा तो अंडरटेकर ने देखा कि उन्होंने होगन के नेक को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा था, लेकिन सालों तक होगन इस इंसिडेंट को लेकर अलग अलग तरह के क्लेम करते रहे और अंडरटेकर इस बीते हुए इंसिडेंट से इतना चिढ़ गए थे कि वे होगन से अपसेट हो गए थे कि उनका WWE करियर कहीं ख़त्म ना हो जाए। इसके बाद होगन WCW चले गए और अंडरटेकर WWE में बने रहे और वे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मर्स में से एक बने WWE की हिस्ट्री में। फिर 2002 में होगन ने WWE में रिटर्न किया और इनका फ्यूड फिर से एक बार स्टार्ट हुआ अंडरटेकर के साथ, और जजमेंट डे 2002 में इनका मैच सेट हुआ और अंडरटेकर वो मैच जीत गए। लेकिन कुछ पर्सनल ग्रेजेस अभी भी अंडरटेकर होगन में थे और इसी के चलते अंडरटेकर ने होगन का हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी भी अटेंड नहीं किया था। खैर, अंडरटेकर और होगन के रिलेशन कैसे भी रहे हों, लेकिन वे वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट परफॉर्मर्स में से एक रहे हैं WWE की हिस्ट्री में। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप लाइक शेयर करें फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स चैनल को। मैं आपको फिर